इतनी मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे मकाम पे होंगे। बट एक बात आप ख्याल में रखिए, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट। जितनी आप परिश्रम करोगे उतना ही आपका लक अच्छा होते जाता है। तो या तो एक लक आपको जो मिला है या तो एक लक आपको बनाना है। तो मेहनत करके अगर लक बनता है तो क्यों ना बनाए। देखिए अपने सामने एक सवाल है, सवाल नहीं बवाल है। एक तो मुझे इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर देखना पसंद ही नहीं है। जब से मैं इंटीग्रेशन के साथ रहता हूं ना, आई हेट डिनोमिनेटर। इसमें समझने का काम थोड़ा था, लिखने का काम बहुत ज्यादा था। हैव अ नोट ऑफ इट। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें मंधान अकेडमी को और दबाएं उस बेल के आइकन को। लाइफ में रहें सबसे आगे। वेलकम टू मंधान अकेडमी। जैसे कि आप सब जानते हो, वी आर रिवाइजिंग द चैप्टर इंटीग्रल्स, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन। बिकॉज ऑन दिस लेसन इफ यू स्टडी इंटीग्रल, इट वुड बी हेल्पफुल फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एंड इफ यू नो द इंटीग्रल, इट इज हेल्पफुल फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अल्टीमेटली इस चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है। वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द चैप्टर, बट anyways, in the exercise 7.5, in this video, what we are going to learn? One of the most important thing is, question number 7 is most important and expected for the exam. At least do watch question number 7 because it is expected for the exam. The next thing is, we are going to learn various form of rational function, and I am going to give you the memory trick to remember all the rational function. वी हैव टू ऑप्शन, या तो मैं सारे के सारे रैशनल फंक्शन एक साथ बता दूं फिर क्वेश्चन स्टार्ट करूं। ऑप्शन नंबर टू, स्मार्ट अप्रोच। व्हाट आई विल डू, आई विल टेल यू वन टाइप एंड एक्सप्लेन टू क्वेश्चन ऑन इट, देन वन क्वेश्चन होमवर्क। नेक्स्ट टाइप आई विल सॉल्व टू क्वेश्चन, वन क्वेश्चन फॉर यू। थर्ड टाइप आई विल एक्सप्लेन द थर्ड टाइप, I will solve two question and one question for homework. So that's why we are going to solve. Also on the screen, I am going to display the MCQ. You have to comment the answer. Okay. I will check whether you are right or wrong. There is one tool useful for long division or synthetic division. See, while integration, you would encounter 5 to 6 question in which long division and synthetic division is useful. So if you don't know these two things in detail, let me know, I'll make separate video on it. We have already made 2 videos on partial fraction. हमने playlist में already 2 video बना रखे हैं। One video contains all the type and second video contains shortcut for the partial fraction. Every year one question is expected in boards. So anyways, at the end of this video, you can expect at least 4 marks guarantee at the end of the lecture. So let's begin the chapter. Apni notebook or pen ready rakhiye and let's begin. Type 1. The type 1 is x plus a divided by x minus b or x plus c. Okay, so if this type of rational function is given, you can express is it as a upon x plus b upon x plus c. See, एक fundamental आपको ख्याल में रख लेना है, वो क्या है? वो ये है कि whenever you see the crux is linear, clear? Linear मतलब क्या? Maximum power one, linear और linear, बहुत सारे linear आ जाएं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? A upon linear equation one plus B upon linear equation two plus C upon linear equation three, it will go on and go on and go on. ठीक है? Type number one क्या है? Whenever you see factors in the numerator and denominator,
एंड यू कैन नोटिस दैट न्यूमरेटर में सिर्फ लीनियर होना चाहिए, क्लियर, एक ही लीनियर, और डिनोमिनेटर कितने भी लीनियर आ जाए. यू कैन राइट इट एज ए अपॉन डिनोमिनेटर का फर्स्ट लीनियर प्लस बी अपॉन डिनोमिनेटर का सेकेंड लीनियर प्लस सी अपॉन डिनोमिनेटर का थर्ड लीनियर. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन. सपोज यू हैव टू इंटीग्रेट x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 2. यू हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन. एज यू नो दैट वी हैव एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल, कॉन्स्टेंट रूल इन द इंटीग्रेशन, बट वी डोंट हैव द डिविजन रूल. सो व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू स्प्लिट इट इनटू द सिंपल फॉर्म. सो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, x प्लस 3 x माइनस 2. जस्ट अ मोमेंट, हा See, मैंने यहां पे क्या किया, मैंने शॉर्टकट अप्लाई किया और इन दोनों को स्प्लिट किया. देयर इज अ वन बिग क्वेश्चन, इसका इंटीग्रेशन लेना पॉसिबल है इसका? ऑफ कोर्स इसका, क्योंकि 1 बाय समथिंग इज लॉग ऑफ समथिंग, इंटीग्रल 1 बाय समथिंग लॉग ऑफ समथिंग. तो आपने देखा कि हमने इस पार्शियल फ्रैक्शन, हमने इस रैशनल फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया. नाउ इन बोर्ड्स देयर इज वन मेथड दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. वो मेथड क्या है? मेथड है एक्सप्रेस इट एज ए अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2. सपोज यहां पे थर्ड लीनियर फ्रैक्शन रहता था तो सी अपॉन दैट लीनियर फ्रैक्शन. अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 2, ये इधर इंटू हो जाएगा, ठीक है. तो ये हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस 2 प्लस ये इधर इंटू हो जाएगा बी इंटू एक्स प्लस 3 और ये दोनों आपस में इंटू. एलसीएम ऐसे ही लेते हैं ना, एलसीएम कैसे लेते हैं, ये इधर जाता है ये इधर जाता है ये इंटू. एज यू कैन सी दैट डिनोमिनेटर कैंसल हो गया, वी आर लेफ्ट विथ 1x प्लस 1 इज इक्वल टू, आगे देखिए, ए इंटू एक्स ए एक्स बी इंटू एक्स बी एक्स. मैंने क्या किया, x की टर्म साथ में रखी, a इंटू माइनस 2 माइनस 2 ए बी इंटू 3 3 बी. तो मैंने देखा x वाले टर्म्स एक साथ रखे और कांस्टेंट वाले टर्म एक साथ रखे. अब x को x से कंपेयर करो, कांस्टेंट को कांस्टेंट से कंपेयर करो. देखिए ये x वाले टर्म है ये x से कंपेयर होंगे, ये कांस्टेंट वाले टर्म है ये कांस्टेंट से कंपेयर होंगे. सो व्हाइल कंपेयरिंग आई कैन कंक्लूड दैट 1x इज इक्वल टू ax प्लस bx, बराबर है. x सब में से कॉमन ले लिया तो 1 इज इक्वल टू a प्लस b, ठीक है. नेक्स्ट थिंग क्या क्लियर हो रही है, नेक्स्ट थिंग इज 1 इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 3b. वन थिंग इज डेफिनेटली श्योर, अपने को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा या फिर इसको 2 से इंटू कर देते हैं. सो 2a 2b, क्लियर, ये इक्वेशन नंबर 1. ये इसमें प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b. सो 2a माइनस 2a कैंसल आउट हो जाएगा, यहां पे बचेगा 3 और यहां पे बचेगा 5b. सो 3/5 आ गई b की वैल्यू, समझ में आ गया. अब 3/5 b की वैल्यू है तो a की वैल्यू कितनी होगी, अगर 3/5 b की वैल्यू है दोनों की टोटल 1 है तो a कितना होगा, कॉमन सेंस यार 2/5, क्योंकि 3/5 प्लस 2/5 5/5 दैट इज 1. नाउ द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाइड, देयरफॉर यू कैन राइट इट एज, अपने को इंटीग्रेशन लेना था ना, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 x माइनस 2 dx.
इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए अपॉन एक्स प्लस थ्री, ए कितना है, ए है 2/5 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू डीएक्स। समझ में आ रही है बात। नाउ यू कैन अप्लाई इंटीग्रेशन फॉर्मूला। देखिए 2/5 कांस्टेंट रूल से बाहर, 1/something इंटीग्रेशन इज log ऑफ समथिंग, ठीक है, प्लस 3/5 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/something इज log ऑफ समथिंग और प्लस सी एज इट इज। एज यू कैन सी दैट हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, दिस इज टाइप नंबर 1 और ये मैंने 2/5 और 3/5 शॉर्टकट से भी निकाले थे। सो इफ यू थिंक कि शॉर्टकट हम बोर्ड में यूज ना करें, डिटेल मेथड यूज करें, तो वो क्या होगी, वो ये होगी, दिस इज द मेथड। और हर लीनियर अपॉन लीनियर 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 में इसी तरीके की मेथड अप्लाई होगी, हैव अ नोट ऑफ इट। Now exercise 7.5, first question. See what I'll do while solving question, I will display the type. So first question है, I is equal to integration of x upon x plus 1 x plus 2 dx. See, can I write it as integration of a upon x plus 1 plus b upon x plus 2 dx, ठीक है, और next step में मैं इसको क्या लिख सकता हूं, I think यहां space correct नहीं है, यहीं पे लिख लेते हैं और इस तरफ solving कर लेते हैं। I can write it as a upon x plus 1 plus b upon x plus 2, ठीक है। So इसकी solving हम यहाँ पे कर लेते हैं, partial fraction में convert कर लेते हैं। First of all हम shortcut से answer निकाल लेते हैं, x plus 1 का factor कितना है, minus 1, तो ये 0 हो गया, इसे हटा दो, इधर आ जाएगा minus 1 divided by 1, x plus 2 का factor कितना है, minus 2, so minus 2 plus 1 कितना हो जाएगा, minus 2 plus 1 कितना हो जाएगा, minus 1, तो अपने factors आ चुके हैं, that is minus 1 by 1, that is minus 1 और यह जाएगा 2। देखते हैं board की method से यह कैसे आता है। we have a partial fraction x upon x plus 1 into x plus 2, तो इसको हम लिख सकते हैं a upon पहला linear प्लस बी अपॉन दूसरा लीनियर, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा एक्स एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, अब एलसीएम कैसे लेता है, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाले इधर, सो ये वाला इधर क्या, तो ए इंटू एक्स प्लस 2, ये वाला उधर क्या, तो आ जाएगा बी इंटू एक्स प्लस 1 और ये आपस में इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। आगे देखिए दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विथ 1x प्लस 0, ठीक है, कांस्टेंट कितना है यहां पे, 0 है, ठीक है। आगे a इंटू x ax, b इंटू x bx, a इंटू 2 2a, b इंटू 1 b। नाउ कंपेयर कंपेयर x के टर्म्स विथ x, ठीक है, सीबीए के सीबीएसई के मार्क्स सीबीएसई से कंपेयर करो और आईसीएसई के मार्क्स आईसीएसई से कंपेयर करो, तो कांस्टेंट वाले कांस्टेंट से कंपेयर करो और एक्स वाले टर्म एक्स से कंपेयर करो, सपोज एक्स स्क्वायर होता था तो एक्स स्क्वायर के टर्म एक्स स्क्वायर से कंपेयर करो। जब अगर यहां पे तीन टर्म्स आ गई तो देयर इज अ चांस कि वो
तीन का लीनियर इक्वेशन बनेगा, उसके लिए एक अलग टेक्निक है, मैं आपको बताऊंगा। इट इज नॉट गिवन इन अ टेक्स्ट बुक बट इट विल सेव योर टाइम। बिना क्रैमर रूल के आप वो कर सकते हो। वेट करते हैं जब तक क्वेश्चन आए। यहां पे क्या हो जाएगा, 1 = a + b, दिख रहा है ना, x x x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। आगे 0 = 2a + b, ये इक्वेशन इधर लेके जाओ और माइनस कर दो। एज यू नो दैट माइनस में साइन चेंज होती है, तो कितना आ जाएगा देखिए, प्लस बी माइनस बी कैंसल आउट, 2a - a, ये बचेगा 0 - 1, दैट इज -1। सो a की वैल्यू मिल चुकी है -1। अगर a -1 है तो 1 = -1 + b, है ना, a माइनस वन यहां रखा तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 2। सी इफ यू आर अ सीबीएसई स्टूडेंट तो इतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होना ही चाहिए। तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 2, वही आई है ना। ये शॉर्टकट हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, बट स्टूडेंट वेयर आस्किंग कि हमें डिटेल मेथड भी बता दीजिए। सो दिस इज द डिटेल मेथड। बस किस्सा खत्म, आगे इंटीग्रेशन लेना बच्चों का काम है। घर पे कोई छोटा बच्चा है उसे दे दीजिए, वो इंटीग्रेशन ले लेगा। इंटीग्रल 1/x log x, कॉन्स्टेंट बाहर, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टेंट रूल, व्हेनेवर कॉन्स्टेंट इज मल्टीप्लाइंग विद इंटीग्रेशन, 2 बाहर, इंटीग्रल 1/x हो जाएगा log x, और प्लस सी तो आके रहे। दिस सेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि आपने देखा कि कितनी सिंपली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हैव अ नोट ऑफ इट। सेकेंड क्वेश्चन है, i = (integration) 1/(x²-9). आपको 9 देख के कुछ फीलिंग आती है? मुझे तो बहुत फीलिंग आती है, और वो फीलिंग क्या है, 9 मतलब होता है 3 का स्क्वायर। डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ 1/(x²-a²)? यस, 1/(x²-a²) क्या होता है, 1/2a, यहां पे a कौन है, यहां पे a 3 है, ठीक है, log of mod of x - a / x + a + c, ठीक है। बट क्या मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकता हूं? हां जी हां, कर सकता हूं। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, i = इसको मेथड नंबर 2 बोल देते हैं। 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 9 देखते हैं तो हमें पता चलता है, गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि 9 क्या होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, ठीक है, गांव का बच्चा बच्चा जानता है। आगे क्या ये a² - b² है? सही 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 सोच रहे हो। अम का स्क्वायर - ढम का स्क्वायर क्या होता है? अम का स्क्वायर - ढम का स्क्वायर होता है अम का प्लस ढम का, अम का माइनस ढम का। a² - b² क्या होता है? a² - b² a + b a - b, ठीक है। अब क्या मैं यहां कह सकता हूं कि ये पार्शियल फ्रैक्शन है? हां जी हां, ये तो पार्शियल फ्रैक्शन है। तो चलिए इसको स्प्लिट करते हैं, x + 3 + x - 3। अब इसकी सॉल्विंग रफ में यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, लेट दिस इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन फिलहाल यहां यूज नहीं करते, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/(x + 3) x - 3 इज इक्वल टू व्हाट, a / (x+3) + b / (x-3)। तो क्या हम थोड़ा क्विकली कर सकते हैं? जैसे कि आप जानते हो
ये वाला इधर इंटू होगा, ये वाला इधर इंटू होगा, तो यहाँ पे कितने x है, यहाँ पे 0x है, ठीक है, प्लस 1 है, क्लियर। ये वाला इधर इंटू होगा, ये वाला इधर होगा, ये नीचू इंटू होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। अब ये हो जाएगा 0x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स ए एक्स बी इंटू एक्स बी एक्स, ए इंटू माइनस 3 माइनस 3 ए बी इंटू 3 3 बी। अब हमें जैसे कि कोएफिशिएंट को कंपेयर करना है, 0x वाले x से कंपेयर और कांस्टेंट वाले किससे कंपेयर, कांस्टेंट से, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्योंकि x इसमें है, x एक्सिस है, x इसमें है, कैंसल आउट हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 3b माइनस 3a, यहां पे 3 से इंटू कर दो और यहां पे रख दो, तो 0 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। सम किया तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 6b, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू 6b, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी 1/6। गली का बच्चा बच्चा जानता है a और b क्या है, a और b तो एडिटिव इनवर्स है, मतलब दोनों का टोटल 0 आ रही है, और अगर दोनों की टोटल 0 आ रही है दैट मींस a कितना होगा, -1/6। तो देखिए व्हाइट बोर्ड में मेरे पास स्पेस की कमी थी, इसके लिए मैंने यहीं पे एडजस्ट कर लिया, आपके पास बहुत स्पेस रहेगी। तो सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू आ गई -1/6, बी की वैल्यू आ गई 1/6। अब आगे क्या मैं कह सकता हूं 1/6 कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, मैंने 1/6 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ले लो, इंटीग्रल 1/something हो जाएगा log of something, इसके पास माइनस का साइन है ना, इंटीग्रल 1/something हो जाएगा log of something, ठीक है, क्वेश्चंस मैच हो गया है, क्योंकि log a माइनस log b log of a upon b, लोग जब जब माइनस करते हैं तब तक वो डिवाइड होते हैं, तो x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3, देख लो यही है ना, सेम है दोनों। तो आप चाहे कोई भी मेथड यूज करो, फर्क नहीं पड़ता, रास्ते चाहे कुछ भी हो, मंजिल पर पहुंचना जरूरी है। हैव अ नोट ऑफ इट। थर्ड क्वेश्चन है अपने सामने, I इज इक्वल टू 3x माइनस 1 dx, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। सी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले जरा हम शॉर्टकट लगा लें, ठीक है, तो शॉर्टकट लगाते हैं। पहला आएगा x माइनस 1, दूसरा आएगा x माइनस 2, तीसरा आएगा x माइनस 3 dx। एक ऐसा नंबर बताइए जो मैं x की जगह पे रखूं तो वो 0 हो जाएगा, 1, तो x माइनस 1 का फैक्टर 1 है, इसको छुपा दो, हर जगह 1 रखो, तो 1 माइनस 2 कितना होगा, 1 माइनस 2 कितना होगा, माइनस 1, 1 माइनस 3 कितना होगा, कितना होगा, माइनस 2, 1 इंटू 3, 3 माइनस 1 कितना होगा, 2, 2 टू कट, माइनस माइनस कट, आंसर आ गया 1, तो a की वैल्यू 1 मिल चुकी है। x माइनस 2 का फैक्टर बताओ, ठीक है, अगर जिसको नहीं पता है वह ऐसा कर सकता है कि x माइनस 2 की वैल्यू 0 लानी है, दैट मींस x 2 उधर भेज दिया, तो x इक्वल टू 2, हर जगह x इक्वल टू 2 रखो, इसको छोड़ के, क्योंकि यहां 0 आ रहा है ना, तो 2 माइनस 3 कितना होता है, माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना होता है, 1, और ऊपर क्या है, 2 इंटू 3, 6, 6 माइनस 1, 5, तो 5 बाय माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 5।
आगे x माइनस थ्री का फैक्टर बताइए, x माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू थ्री, इसको छुपा दो, सीने में छुपा लूंगा। सो x माइनस थ्री का फैक्टर आया थ्री, थ्री हर जगह रखो तो ऊपर आ जाएगा थ्री, थ्री इंटू थ्री नाइन, नाइन माइनस वन कितना होता है एट, और उसके डिनोमिनेटर में क्या है थ्री माइनस वन कितना होता है, सही सोच रहे हो यार, थ्री माइनस वन कितना होता है टू, और थ्री माइनस टू कितना होता है वन, तो यह जाएगा फोर। ठीक है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, वैसे इस पे एक सेपरेट वीडियो भी हम बना चुके हैं। अब इसको हम रेगुलर मेथड्स के थ्रू आपको करके दिखाते हैं। सी, आपके बुक में ना क्रैमर्स रूल दे रखा है कि तीन 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 के इक्वेशन बनेंगे, अब दो को तो हम साइमल्टेनियस सॉल्व कर सकते हैं, तीन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्रैमर्स रूल दे रखा है। आपने देखा मैंने आपका कितना टाइम बचा दिया, आई हैव सेव्ड योर टाइमिंग्स, ठीक है, क्योंकि क्रैमर रूल लगाने में आपके 5 मिनट लगते थे। बट इफ यू थिंक कि इस शॉर्टकट के अलावा बोर्ड के लिए हमको डिटेल मेथड चाहिए, तो फिर भी मैं बता सकता हूं, देयर इज वन मोर शॉर्टकट, दूसरा शॉर्टकट मैं उसका बताता हूं, ठीक है। एंड ये तो ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू आ गई, ओके। अगर आपको मेथड शो करनी है, आई हैव अ बाईपास फॉर द क्रैमर्स रूल, और जिसको देख के आपका डोपामाइन बूस्ट हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाएगा, और आप कहोगे कि इंटीग्रेशन इजी है। सो लेट्स चेक आउट, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूं, 3x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 c अपॉन x माइनस 3। ठीक है, यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? अब एलसीएम कैसे लिया जाता है, देखिए तीन में एलसीएम कैसे लेते हैं, ओके मैं तीन का एलसीएम लेना बताता हूं। इधर आ जाएगा 3x माइनस 1, क्लियर है ना। तीन में एलसीएम ऐसे लिया जाता है कि तीनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, राइट। इसके पास x माइनस 1 है, x माइनस 2 और x माइनस 3 है क्या, तो ऊपर नीचे किससे इंटू करोगे, ऊपर नीचे आप इंटू करोगे x माइनस 2 से और x माइनस 3 से, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, नीचे हो जाएगा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। इधर बताइए, यहां पे था b, कोई दिक्कत नहीं, x माइनस 2 था, हाँ था, x माइनस 2 को ऊपर नीचे x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 3 दे दिया, क्यों दे दिया, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो सके। इसी तरीके से तो हम एलसीएम लेते हैं। अगला c अपॉन x माइनस 3 तो ऑलरेडी था, उसकी जिंदगी में कमी थी डिनोमिनेटर में x माइनस 2 और x माइनस 1 की, इसके लिए मैंने x माइनस 2 और x माइनस 1 ऊपर नीचे दे दिया। अब गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर ऐड हो सकते हैं, एंड एज यू कैन सी दैट इसका जो डिनोमिनेटर है और इसका जो डिनोमिनेटर है सेम आ रहा है, मतलब कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 3x माइनस 1, 3x माइनस 1 इज इक्वल टू a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस बी x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस सी इंटू x माइनस 2 x माइनस 1, ओके ये बचेगा। इफ यू ओपन योर डाइजेस्ट यू वुड नोटिस कि यहां पे जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो अपने को मिल रहा है क्रैमर रूल। मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, आप देख लो, भले यू कैन चेक आउट योर डाइजेस्ट। सो एज यू कैन सी दैट वंस यू सिंप्लीफाइड यू वुड फाइंड इट एज इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, राइट। सो हाउ टू प्रोसीड फर्दर, हम इसको लीनियर इक्वेशन में थ्री वेरिएबल बनाए बिना कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यस द टेक्निक इज पुट। क्या टेक्निक है, पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जैसे कि यहां पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर्स हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, ये तीन चीजें हैं, किसी भी एक को 0 ले लो, ओके x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2। तो
हर जगह x की जगह पे 2 रख दो, 2 माइनस 2 जीरो, ये पूरा गया, सही है ना, ये पूरा गया। x इक्वल टू 2 रखो, 2 माइनस 2 जीरो, ये पूरा गया। ओके बचा क्या, फिर हमारे पास बचा है, यहां पे बच गया है b, 2 माइनस 1 कितना होता है 1, 2 माइनस 3 कितना होता है माइनस 1, 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 1 5, तो आप देख सकते हो b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 5। अब ये आपके बोर्ड्स की ही मेथड है, पर हमने इसको थोड़ा सा स्मूथ बना दिया, तो आपने देखा b इतना फटके में निकल गया। आगे एक और लेते हैं फैक्टर, अब क्यों, अब की बार कौन लेते हैं अपन, x माइनस 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 1, जिधर जिधर x है उधर उधर कृपया करके 1 रखिए, तो 1 रखा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, 1 रखा 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। बचा क्या, ये चीज बची। अब आगे देखो, 1 इंटू 3 3, 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 1 माइनस 2 कितना होता है माइनस 1, 1 माइनस 3 कितना होता है माइनस 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 2 इंटू 2 2 उधर जाएगा डिवाइड करेगा, देयरफॉर ए की वैल्यू हो गई 1। मेरे ऊपर भरोसा नहीं, चेक कर लो, माइनस 5 और 1 तो हमारा आ चुका है ना, है ना, b की जगह पे माइनस 5, a की जगह पे 1। बस इसी तरीके से हमने सॉल्व करना है, और अब x माइनस 3 को ले लेते हैं 0, ठीक है, पुट क्या, पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 3, जिधर जिधर x है उधर उधर क्या रखना है 3, तो जिधर जिधर x है उधर उधर अगर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मार्कर चेंज करते हैं, 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। सोचिए कैसे, 3 माइनस 3 0, ये पूरा खत्म, 3 माइनस 3 0, 0 इंटू नथिंग 0, और अब ये बचा 3, 3 इंटू 3 9, 9 माइनस 1 8, उस तरफ क्या बचा, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2, यहां पे c की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आपने देखा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो चुका है। अब ये थी ट्रेडिशनल मेथड, बट इसके आगे आपको क्रैमर्स रूल लगाना होता है, लीनियर इक्वेशन विद थ्री वेरिएबल, पर मैंने आपको एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक बताई है जिसके थ्रू आंसर डायरेक्टली मिल सकता है। नाउ ये था बोर्ड्स का शॉर्टकट और ये था कॉम्पिटिटिव एग्जाम का शॉर्टकट। एनीवेज, व्हाट इज द आंसर, द आंसर इज, यू नो इट्स 2 सेकंड आंसर, 1 बाहर लॉग ऑफ x माइनस 1, माइनस 5 बाहर लॉग ऑफ x माइनस 2, 4 बाहर लॉग ऑफ x माइनस 3, ऑफ कोर्स प्लस सी आएगा, ठीक है। सो दिस वॉज सच अमेजिंग मेथड शॉर्टकट फॉर योर जे, योर सी टी एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ओके दिस इज द बाईपास मेथड फॉर द क्रैमर्स रूल इफ यू आर हैविंग लीनियर इक्वेशन विथ थ्री वेरिएबल। देखा आपने कितना फटाफट हो गया। मेथड आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए पहले शॉर्टकट लगाते हैं, फिर मैच करते हैं हम उसको। शॉर्टकट लगा के आंसर मैच करने का मजा ही कुछ अलग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो x माइनस 1 का फैक्टर क्या है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, तो हर जगह x की जगह पे 1 रखो इसको छोड़ के, तो हो जाएगा 1 ऊपर, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1, बराबर 1 माइनस 3 दैट इज माइनस 2,
So ultimately and finally I can write it as 1/2. आगे देखते हैं x माइनस टू का फैक्टर क्या है. x माइनस टू का फैक्टर क्या है, 2. हर जगह पुट करो 2, 2 माइनस 1, 1, 2 माइनस 3, माइनस 1. सो अल्टीमेटली और फाइनली ये हो जाएगा माइनस 2. एक्स माइनस 3 का फैक्टर कितना है, 3. हर जगह पुट करो तो हो जाएगा 3 एक्सेप्ट दिस, क्योंकि यहां 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, इसको छोड़ दो. ठीक है, इसको दिल में छुपा लो और हर जगह 3 रख दो. 3 हो गया 3/2 और डिनोमिनेटर तो ऑफकोर्स सेम ही है. ये था हमारा डोपामाइन, मतलब कि खुशी वाला हार्मोन रिलीज करने वाला मेथड. अब हम देखते हैं बोर्ड्स का मेथड, उसको भी मैं आपको टेक्निक से ही बताऊंगा. सो लेट अस अज्यूम दैट, क्या हम अज्यूम करते हैं कि x अपॉन x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू व्हाट, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3. ठीक है, एज यू नो दैट पार्शियल फ्रैक्शन लेने के पहले अपने को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है, और जब डिनोमिनेटर सेम करना पड़ता है उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि a को ऊपर नीचे क्या इंटू करूं कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए. तो a को ऊपर नीचे मैं किससे इंटू करूंगा, x माइनस 2 और x माइनस 3 से. तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. b को मैं ऊपर नीचे किससे इंटू करूंगा, b को मैं ऊपर नीचे x माइनस 1, x माइनस 3 से इंटू करूंगा. x माइनस 2 था, x माइनस 1, x माइनस 3 ऊपर नीचे इंटू किया तो ये नीचे हो जाएगा x माइनस 2, x माइनस 1, x माइनस 3. ठीक है, c को मैं किससे इंटू कर सकता हूं, c को ऊपर नीचे x माइनस 1, x माइनस 2 से इंटू करेंगे, उसकी वजह से हो जाएगा डिनोमिनेटर x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3. तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर और इस तरफ का तीनों का कॉमन डिनोमिनेटर देखोगे तो कैंसल आउट हो जाएगा. अब लगाते हैं शॉर्टकट की बात. शॉर्टकट क्या आएगा, लेट x माइनस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 2. हर जगह x की जगह 2 पुट करो, ये 0, ये 0. इधर देखते हैं x की जगह 2 रखा, 2 माइनस 1, 1, 2 माइनस 3, माइनस 1, और इधर आ जाएगा 2 इंटू 2, 2. तो यहां पे देखते हैं b की वैल्यू मिल गई माइनस 2. मैच करो, b इक्वल टू माइनस 2 है क्या, हाँ है. अगला फैक्टर बताइए, लेट x माइनस 3 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू 3. जिधर जिधर x है उधर उधर 3 रखो, तो कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3 रखा, ये पूरा खत्म. x इक्वल टू 3 रखा तो आपने देखा 3 माइनस 3 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, ये पूरा खत्म. तो 3 यहां पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, 2, 3 माइनस 2, 1, 3 इंटू 1, 3. तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3. चेक कर लो, मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो c की वैल्यू 3/2 हो जाएगा. 3/2 सही है. अब अगला फैक्टर क्या है, x माइनस 1. सो जिधर जिधर x है उधर उधर 1 रखना है, क्योंकि x माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो x की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू 1 रखो तो हमने नोटिस किया कि 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0 हो गया. a की वैल्यू मिल जाएगी यहां से, a 1 माइनस 2 माइनस 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 1 इंटू 1, 1. तो फाइनली और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस, 2 इंटू 1 होता है 2, उधर जाएगा तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2. क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, क्या आपके a में 1/2 है. तो आपने देखा
क्वेश्चन कितना सिंपली सॉल्व हो गया, ठीक है। अदरवाइज अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते थे ये वाले को, तो क्वाड्रेटिक भी आता था, लीनियर भी आता था, कांस्टेंट भी आता था। और अगर कंपेयर करते हैं तो 3/3 मतलब कि लीनियर इक्वेशन में 3 वेरिएबल आता था, जिसके लिए अपने को क्रैमर्स रूल यूज करना पड़ता था, या तो दो इक्वेशन को एडलेस करके सॉल्व करना पड़ता था। बट मैंने आपको ये मेथड बता दी जिससे आपका टाइम बच गया, ठीक है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। इसका इंटीग्रेशन एक स्टेप में निकलेगा, 1/2 कांस्टेंट रूल से बाहर इंटीग्रल 1/x होता है log x, ठीक है। बट x था क्या, वो x नहीं था, जो x नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव। एज यू कैन नोटिस x का कोएफिशिएंट 1 है, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। इंटीग्रल 1/x होता है log x, बट वो x था क्या, वो x नहीं था, जो x नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है लीनियर रूल से। 3/2 बार 1/x का इंटीग्रेशन log x, बट वो x था क्या, वो x नहीं था, जो x नहीं था अगेन उसका क्या, अगेन उसका डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो लीनियर रूल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि x के कोएफिशिएंट हर जगह 1 ही है। बस क्वेश्चन हो चुका है, खत्म। आ रहा होगा आपको मजा। आई रिक्वेस्ट यू कि 4-5 क्वेश्चन कर लें और फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू शो करूंगा, यू हैव टू सॉल्व इट। बट उसके पहले हैव अ नोट ऑफ इट। फिफ्थ क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x डिवाइडेड बाय x² प्लस 3x प्लस 2। इस क्वेश्चन को आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हो। पहली मेथड है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, जो इसकी पहले एक्सरसाइज में देखी थी, पर उसमें ना टाइम बहुत लगता है। टाइम बहुत लगता है, वो नहीं, कुछ और सोचते हैं, ठीक है। आपसे मुझे एक छोटी सी बात पूछनी थी, बुरा ना मानो तो आपसे एक बात पूछूं, अगर इसको फैक्टराइज कर दिया तो क्या, तो ये लीनियर लीनियर इनटू लीनियर बन जाएगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन लेना आसान है ना। सही लगे आपको आइडिया? तो आपसे एक बात पूछनी है अगर आप बुरा ना माने तो, और वो ये है कि क्या इसका आप फैक्टर्स निकाल सकते हो, क्या आप ऐसे दो नंबर बता सकते हो, अगर x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1, क्या आप ऐसे दो फैक्टर्स बता सकते हो जिसका मल्टीप्लाई 2 और टोटल 3 हो। इस दुनिया के ऐसे दो नंबर जिनका मल्टीप्लाई होता है 2, टोटल होती है 3। सही बोला आपने, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। तो है आंसर 2 और 1। तो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, देखो ज्यादा स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूं। पहले डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, शॉर्टकट लगाया और लिख दिया, ठीक है। अब सुनो, जो डिटेल्ड वाले बच्चे हैं, 2x 3x को क्या लिखा अपन ने, 2x प्लस 1x। एक बात समझ लो, 1x प्लस 2x लिखो तो जो आंसर आएगा, और 2x प्लस 1x लिखो जो आंसर आएगा सेम ही होगा, तो 1 और 2 के ऑर्डर पे फर्क नहीं पड़ता है। आगे यहां से x कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया, x प्लस 2। चेक कर लो क्या बच गया, x इंटू x x² इंटू 2 2x। अब एक ट्रिक है, पूछो क्या सर, जो इधर कॉमन आता है वही इधर कॉमन आता है, तो इधर क्या आ जाएगा, x प्लस 2। ये कब काम करती है, जब रूट वगैरह की चीजें दे रखी हो तो, मतलब यहां से 1 कॉमन लिया है। अब x प्लस 2 या x प्लस 2 या बाहर ले लो, बचा क्या, बचा ये वाला x और ये वाला 1, ठीक है। ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, ठीक है, जो सिर्फ बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए था, अदरवाइज जो कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा शॉर्टकट देखा ही होगा, सो उससे डायरेक्ट आंसर आता है। ये स्प्लिट करने का जो टाइम है, लिखने का टाइम है, बच जाता है।
अब इसका इंटीग्रेशन लेना है, कौन सी मेथड से लेंगे? हाँ हाँ सही सोच रहे हो, पार्शियल फ्रैक्शन। मैं आपको दे रहा हूं 10 seconds, मुझे ए और बी की वैल्यू कमेंट करके बताओ। तो x प्लस टू का फैक्टर होता है माइनस टू हर जगह रखा, तो -2 + 1 -1 2/-1 होता है -2। एक बार फिर से बता देता हूं, x प्लस टू का फैक्टर कितना है -2, ठीक है। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि इस इक्वेशन में x की जगह क्या रखूंगा कि जीरो आएगा, दैट मीन्स x प्लस टू इक्वल टू जीरो लाना है, देयरफॉर x इक्वल टू -2। तो हर जगह आप क्या रखो, -2 रखो, यहां पे मत रखना क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। सो टू ही रहेगा, ठीक है, ऊपर वाला टू ही रहेगा, नीचे -2 + 1 -1, 2/-1 कितना होता है -2। तो पहला फैक्टर मिल चुका है। दूसरे फैक्टर पे आके बात करते हैं, x प्लस वन का फैक्टर बताओ, x प्लस वन की जगह ऐसा क्या रखूंगा कि वो जीरो होगा, तो हो जाए -1। तो -1 रखेंगे तो हो जाएगा -1 + 1 0, इसको दिल में छुपा दो, ठीक है, तो हो जाएगा 2 1 - 1 + 2 1 2/1 कितना होता है 2/1, मेरे गांव में 2 होता है, आपके गांव में क्या होता है मुझे बताओ। बस ये हो जाएगा -2 log of x + 2 + 2 log of x + 1। अब एक बात सुन लो, डिटेल मेथड देखते हैं यहां पे, 2x / x + 2 x + 1 is equal to a / x + 2 + b / x + 1। आगे अपने को एलसीएम लेना है, तो कैसे लेंगे एलसीएम? x प्लस टू को ऊपर नीचे x प्लस वन से इंटू करेंगे, x प्लस वन को ऊपर नीचे x प्लस टू से इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा देखो कैसे, ऊपर नीचे x प्लस वन से इंटू किया, ऊपर नीचे x प्लस टू से इंटू किया, इसका डिनोमिनेटर है x + 2 x + 1, इसका डिनोमिनेटर है x + 2 x + 1। क्या मैं कह सकता हूं दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट मींस न्यूमरेटर प्लस हो सकता है। नाउ दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कट LHS RHS में। अब मेरे पास बच गया 2x + 0 इज इक्वल टू व्हाट? अब देखो a इंटू x होता है ax, b इंटू x होता है bx, ठीक है, x को ले लो कॉमन, प्लस a इंटू 1 होता है a, b इंटू 2 होता है 2b। अब कोएफिशिएंट को कंपेयर करो, x के कोएफिशिएंट से कंपेयर होंगे और कांस्टेंट से, सो 2 इज इक्वल टू a + b, पहली बात। दूसरी बात, 0 इज इक्वल टू a + 2b, ये वाला इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इधर आ जाएगा 2ab। जब कभी भी हम माइनस करते हैं तो जिस इक्वेशन को माइनस करते हैं उसकी साइन पलट जाती है, ये हो जाएगा -2a - a, खत्म, 2b - b, तो b की वैल्यू -2 है क्या? आई डिड रॉन्ग, मैंने यहां पे x को मिस कर दिया था, ठीक है, x प्लस टू का फैक्टर कितना होता है -2, -2 + 1 - 1 और -2 × 2 - 4/-1 होता है 4। आगे देखो, x + 1 का फैक्टर -1 हो जाएगा -2/1, ठीक है, तो अब सही है। पहले क्या किया था मैंने यहां का x भूल गया था लिखना, अब ठीक है, ठीक है। तो अगर b -2 है तो a कितना होगा, समझ में आ रही होगी आपको बात, b अगर -2 है तो a कितना होगा,
4 यहाँ पे रखा आपने। सो ये था बोर्ड के लिए प्रेजेंटेशन, ये था हमारा शॉर्टकट। ओके, हैव अ नोट ऑफ इट। सी, अपने सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्वेश्चन कैसा लग रहा है? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। हमारे पास डिविजन रूल अवेलेबल नहीं है। एक सोच देखो कि अगर x को x से और 1 से इंटू करेंगे तो ऊपर भी क्वाड्रेटिक, नीचे भी क्वाड्रेटिक। क्या ऐसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, यू नो वेन एवर वी सी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो एक बात तो क्लियर है कि ये क्वेश्चन किसी भी हालत में ऐसा दिखने वाला नहीं है। यू नो मतलब फैक्टराइज कर भी लिया तो कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होगा, बिकॉज आप ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो कंसेप्ट है वो तभी लगा सकते हो, वो तभी लगा सकते हो जब ऊपर लीनियर हो। सो माय इंटेंशन इज कि ऊपर वाला किसी तरीके से लीनियर बन जाए। अब उसके लिए कुछ ऑप्शंस हैं। या तो आप क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी कट कर दो, वो जो हो नहीं रहा है। दूसरा कुछ ऐसा करो कि ऊपर वाली वैल्यू कट हो जाए। समझ में आ रही है बात? वी हैव टू डू समथिंग कि ऊपर वाली वैल्यू कट हो जाए। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज आई हैव टू मेक इट इन द फॉर्म ऑफ यू नो रैशनल फंक्शन विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू पार्शियल। नाउ एक मुझे बात बताओ, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कट होता है नहीं होता है? होता है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल मल्टीप्लाई इट विद एक्स, हो जाएगा एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर, हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन where you see quadratic upon quadratic, and whenever you see cubic upon cubic, quadratic upon quadratic, then what you have to do, you have to use this thing, express numerator in terms of denominator. Express numerator in terms of denominator, where you find quadratic upon quadratic, है ना? You find cubic upon cubic. तो ये concept use होता है, ठीक है? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, इसको ना positive कर देते हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है negative. तो लीडिंग कोएफिशिएंट हो गया यहाँ पे माइनस वन कॉमन, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। जब कभी भी माइनस वन कॉमन लेते हैं तो साइन पलट जाती है, ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं। आगे एक चीज नोटिस करो, आपको एक चीज नोटिस हो रही है, माइनस माइनस कट, ऊपर और नीचे मैं टू से इंटू कर रहा हूं। अरे यार, मैंने आपसे कहा था एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, ऊपर 2 है क्या? नहीं है, तो ऊपर नीचे 2 से इनटू किया। नीचे का 2 नीचे रहेगा, जब ऊपर का 2 अंदर जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2। अब जरा सोचो, 2x स्क्वायर माइनस x है, ऊपर माइनस x है क्या? हाँ है ना, अच्छी नजर से देखो इसको, हम क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 बाय 2 पड़ा रहेगा बाहर, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है? माइनस टू रख दो तो थोड़ा साइड में, ठीक है? अब की बात, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नीचे है, ऊपर है क्या? हाँ है ना, माइनस एक्स प्लस एक्स। और अब की बार आप देखोगे कि टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नीचे, दोनों में मैंने स्प्लिट कर दिया। आगे अपने को एक चीज नोटिस हो रही है, सेम अपॉन सेम क्या होता है? वन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, प्लस एक्स माइनस टू ये होता है, दोनों में से x कॉमन ले सकते हैं? हाँ जी हाँ ले सकते हैं, तो ये जाएगा 2x माइनस 1। अब 1 बाय 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 कितना होता है? वो तो x होता है, ठीक है? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग, सी पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगाते हैं, या तो
आप क्या करो, पूरी डिटेल मेथड लगाओ जो मैंने सिखाई है। एनीवेज मेरा इंटेंशन है क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो मैं डायरेक्ट करता हूं। एक्स का एक ऐसा फैक्टोरियल बताओ कि ये जीरो हो जाए, जीरो जीरो इंटू टू जीरो माइनस वन, माइनस टू बाय माइनस वन हो जाएगा टू। चेक कर लो, एक्स का ऐसा फैक्टर बताओ कि जीरो आ जाए, तो जीरो पुट कर देंगे, ठीक है, इसको ढक दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। जीरो माइनस टू होता है माइनस टू अपॉन माइनस वन, टू। टू एक्स माइनस वन का फैक्टर बताइए, एक्स इक्वल टू वन बाय टू, मुझे पता था, बस आपके लिए एक्सप्लेन किया। तो जिधर जिधर एक्स है उधर उधर वन बाय टू रखो, तो हो जाएगा वन बाय टू माइनस टू, इधर वन बाय टू नहीं रखेंगे, ठीक है। तो टू टू टाइम्स, एक्चुअली वन बाय टू माइनस टू कितना होता है, माइनस थ्री बाय टू होता है, टू डिनोमिनेटर का टू कट, बचेगा माइनस थ्री, ठीक है। अब आगे इंटीग्रेशन लेता है, वन बाय टू एज इट इज, आपकी एक्स एज इट इज, टू बाहर इंटीग्रल वन बाय एक्स लॉग एक्स, माइनस थ्री बाहर इंटीग्रल वन बाय एक्स लॉग एक्स। अब सुन लो, बट वो एक्स था क्या, वो एक्स नहीं था, जो एक्स नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव। सो टू एक्स माइनस वन का लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है, टू। अब एक और बात देख लो, टू एक्स माइनस वन, ये लीनियर रूल से नीचे टू आना चाहिए। लीनियर रूल क्या होता है, ये मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में और सेकेंड वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। बस क्वेश्चन हो गया खत्म, हैव अ नोट ऑफ इट। सी दिस इज टाइप टू ऑफ इंटीग्रेशन। अब टाइप टू के लिए क्या होता है, वेन एवर यू सी सच टाइप ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, हमने इस तरीके से एक्सप्रेस करना है। सो यहां पे एक बार लिख देता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इंटू लीनियर, ऐसा होता है। एंड ये जो रहता है क्वाड्रेटिक, इट इज अनफैक्टराइजेबल, जब ये अनफैक्टराइजेबल रहता है तब इसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं a अपॉन लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक। दिस इज द फॉर्मेट। ये याद रखना काफी आसान है, जब आपके तीन क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। ऊपर क्वाड्रेटिक नंबर वन, नीचे क्वाड्रेटिक नंबर टू, और नीचे लीनियर। तो जब कभी भी ऐसा फॉर्मेट रहता है, व्हाट यू हैव टू डू, ए अपॉन लीनियर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। दूसरी बात, ज्ञान की बात, यहां पे जो क्वाड्रेटिक होता है डिनोमिनेटर, इट इज अनफैक्टराइजेबल। मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन के फैक्टर्स निकल रहे हैं क्या, नहीं निकल रहे हैं, दैट मींस ये वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम इसकी मेथड देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसके सारे इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं। तो हो जाएगा x, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। अब एलसीएम लेने की कोशिश करो, ये हो जाएगा x, ये इससे इंटू हो जाएगा, तो हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। ये इससे इंटू हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, और डिनोमिनेटर में कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट वन, पर मैं जैसे कि दे सकता हूं यहां पे दो इक्वेशन है, तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट इजी हो जाएगा, या फिर आप फैक्टर मेथड भी लगा सकते हो, तो लगा ले फैक्टर मेथड, चलो लगा लेते हैं। पुट x माइनस वन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू वन,
जिधर जिधर x है उधर उधर 1 रखिए, तो क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 a, ठीक है, 1 माइनस 1 0, ये पूरा 0, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ठीक है, a मिल चुका है, पुट x square plus 1 is equal to 0, therefore x square is equal to minus 1. अब यहां पे एक चीज की दिक्कत हो गई है, सोचो क्या, क्योंकि x square plus 1 को आप 0 लेते हो तो x square is equal to minus 1 यहां पे रख दोगे खत्म हो जाएगी और यहां पे इश्यू हो जाएगा. तो इस कंडीशन को सॉल्व करने के लिए यहां पे अपना फैक्टर मेथड वर्किंग नहीं करेगा, समझ में आ रही है बात. फैक्टर मेथड से एक ही वैल्यू मिली है आपको और वो है एक ही, तो जितना मिला वो भी बहुत ही काफी है. अब हम कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट लगाते हैं, ठीक है, ये a 1/2 मिला ना, इससे आपका आधा काम खत्म हो चुका है, आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा. आगे देखिए, a into x square, ax square, ठीक है, bx into x, bx square, मैंने क्या किया, x square वाले साथ में रखे, a into 1, a, ठीक है, bx into minus 1, minus bx, ठीक है, c into x, cx, ठीक है, c into minus 1, minus c. अब कंपेयर करो कोएफिशिएंट. नाउ थोड़ा सा मैं यहां पे एक्सपांड करता हूं इसको. आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहां पे x स्क्वायर कितना है, 0x स्क्वायर है, यहां पे x कितना है, 1x है, और कांस्टेंट कितने हैं, 0 है, ठीक है. नाउ कंपेयर x स्क्वायर विद x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाले x स्क्वायर से कंपेयर करो, ठीक है, x वाले x से कंपेयर करो और कांस्टेंट वाले कांस्टेंट से कंपेयर करो. तो आपने देखा 0 इज इक्वल टू a माइनस c, therefore a equal to c, और a और c बराबर हैं तो a की वैल्यू है 1/2. अपना देखिए आधा काम यहीं पे होगा, क्यों, क्योंकि फैक्टर मेथड थी. आगे नोटिस करो, ax square plus bx square equal to 0, that means a plus b equal to 0, और अगर आप a की वैल्यू जानते हो 1/2 है, a और b 0 है, तो therefore b कितना होगा, minus 1/2. तो देखिए फैक्टर मेथड लगाने से कैसा हमारा काम सिंप्लीफाई हो गया. इस मेथड को आप कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से अलग ना समझें, क्योंकि दिस इज द यू नो एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस मेथड. ये जो फैक्टर मेथड है कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट का ही एक्सट्रैक्शन है. लाइक जैसे मिल्क से वे प्रोटीन बनता है, तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से फैक्टर मेथड बनता है. सो डिस्टिंग्विश ना करें, अपना काम हो चुका है, ए और सी की वैल्यू आ चुकी है, बी की वैल्यू भी आ चुकी है. अब क्वेश्चन की सॉल्विंग पे ख्याल लगाते हैं. क्वेश्चन की सॉल्विंग कुछ इस तरीके से होगी, ये हो जाएगा आई इंटीग्रल टू इंटीग्रल एक्स माइनस वन ए अपॉन एक्स माइनस वन, ए कितना है 1/2, प्लस bx plus c, bx कितना है minus 1/2 और c कितना है 1/2. लकीली सब 1/2 है तो कॉमन ले सकते हैं, ठीक है. आगे अब एक चीज नोटिस करो, क्या यहां पे आया आ जाएगा, यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x माइनस 1, ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको. अब यहां से एक चीज नोटिस करो, 1/2 दोनों में कॉमन है ना, तो 1/2 मैंने बाहर निकाल दिया, क्लियर. अब 1/2 कॉमन ले लिया तो इधर बच गया माइनस एक्स और इधर बच गया प्लस 1. मैंने डिनोमिनेटर कर दिया स्प्लिट. पूछो क्यों सर, बिकॉज डिनोमिनेटर जब तक हम स्प्लिट नहीं करेंगे तब तक वो सॉल्व नहीं होगा. सोचो कैसे, ऊपर है लीनियर नीचे है क्वाड्रेटिक, सॉल्व नहीं हो रहा है. सो एक्सप्रेस न्यूमरेटर इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर वन ऑप्शन, और दूसरा ऑप्शन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x, 2x ऊपर है क्या, हाँ है ना, अच्छी नजर से देखो. लिसन वन थिंग, ये पूरा का पूरा एज इट इज आ जाएगा, ये वाली जो चीज है ना ये पूरा का पूरा एज इट इज, ठीक है. अब आप ऊपर नीचे 2 से इंटू करो तो ये हो जाएगा 1/4, और माइनस एक काम करो बाहर भेज दो तो हो जाएगा 2x, और यह है x square plus 1. सुन लो एक बात, इंटीग्रेशन
इस पूरे को लग रहा है। तो टू आपने यहाँ पे इंटू किया, मतलब क्या, टू आपने ऊपर नीचे इंटू किया, मतलब इंटीग्रेशन के बाहर किया, मतलब वो टू इसको भी जाएगा, इसको भी जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये पूरा का पूरा एज इट इज, ये वाली चीज, ठीक है, माइनस वन बाय फोर एज इट इज, ठीक है। अब आंसर आ चुका है तो चलो लिख ही देता हूं, वन बाय टू लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव होता है टू एक्स, मतलब ऊपर एक फंक्शन का डेरिवेटिव है और नीचे फंक्शन है, तो आंसर कहता है लॉग ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो ये यहां पे खत्म हो गया। दूसरी बात, आप सब्स्टिट्यूशन से ये कर सकते हो, ठीक है, इसको टी ले लो, इसका डेरिवेटिव ऊपर डी टी अपॉन टू आप कर सकते हो, ठीक है, आई कैन ट्रस्ट यू। इसका इंटीग्रेशन बताओ, टू बाहर, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, और एक बात खुन लो, ये माइनस वन बाय फोर किसको कॉमन ले रहा है, माइनस वन बाय फोर ये पूरे को कॉमन ले रहा है, ठीक है। ठीक है, प्लस सी, क्वेश्चन हो गया खत्म। आपने एक चीज नोटिस की होगी, ये पर्सनली एक क्वेश्चन भी है, दिस इटसेल्फ इज अ वन क्वेश्चन। तो बस टाइप टू में यही था, सिर्फ हमने स्प्लिट करने का तरीका अलग रखा, बाकी सॉल्विंग में कुछ भी दम नहीं था। हैव अ नोट ऑफ इट। See, this is type 3. Why this is type 3? Because x minus 1 का square है. This is a new type. और इस type में क्या होता है? Let's have a look. Whenever you have encountered something like quadratic divided by linear square into linear, तो अगर आपको कुछ ऐसा मिलता है तो इसको हम कर सकते हैं a अपॉन लीनियर, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, लेट्स से दिस इज लीनियर वन, दिस इज लीनियर टू, ठीक है। तो लीनियर वन जो है उसके साथ a ही रहेगा, अब की बार क्या आ जाएगा, b लीनियर नंबर टू प्लस c लीनियर नंबर टू का स्क्वायर, ठीक है। इसको ना क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि अपने सामने ये है, ये क्वेश्चन है, ऊपर क्वाड्रेटिक है क्या, नहीं भी रहा चलेगा, लीनियर चलेगा, इट्स अ गुड। सो एक्स माइनस वन का स्क्वायर नीचे है जो कि है लीनियर का स्क्वायर, और ये है लीनियर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सही सोच रहे हो, ए अपॉन लीनियर, कौन सी टर्म है दोनों में से, प्योरली लीनियर ये है, तो एक्स प्लस टू लिख दो प्लस। अब ये वाली लीनियर के पास स्क्वायर है ना, तो सबसे छोटी पावर बताओ, सबसे छोटी पावर है एक्स माइनस वन, फिर आ जाएगा एक्स माइनस टू, सॉरी फिर आ जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक। अब सुन लो, कल को यहां पे क्यूब रहता था, क्यूब रहता था तो कैसे करते थे, वन अपॉन एक्स प्लस टू रहने देते थे, ठीक है। अब x माइनस वन का क्यूब है, तो x माइनस वन की फर्स्ट पावर प्लस x माइनस वन की सेकंड पावर प्लस x माइनस वन की थर्ड पावर, समझे, यहां पे फोर्थ पावर रहता था, तो आप कैसे लिखते थे, ये लीनियर को लीनियर दे दिया, एक और लीनियर रहता था उसको भी लीनियर दे देते थे, ठीक है, a by linear, b by linear। अब की बार क्या होता है, x माइनस वन की फोर्थ पावर, सो x माइनस वन, फिर x माइनस वन का स्क्वायर, फिर x माइनस वन का क्यूब, फिर x माइनस वन की फोर्थ पावर, समझे, यहां पे फाइव रहता था तो क्या लेते, x माइनस वन, x माइनस टू का स्क्वायर, x माइनस वन का स्क्वायर, x माइनस वन का क्यूब, x माइनस वन की फोर्थ पावर, x माइनस वन की फिफ्थ पावर, क्लियर है। बट एनीवेज, आप नसीब वाले हो, यहां पे क्यूब नहीं है, अपना टाइम बच चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होता है। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्विंग। सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्विंग। दिस इज x अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर,
सो अकॉर्डिंग टू दैट टेबुलेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन अपन क्या कर सकते हैं इसको, आई कैन राइट इट एज ए अपॉन एक्स प्लस टू प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन, पर इसका तो स्क्वायर हो रहा है ना, तो स्क्वायर की पावर तक लेके जाना पड़ेगा, सी अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर। खुश, कोई दिक्कत? अब एलसीएम लाते हैं, यह है एक्स, यह है एक्स माइनस वन का स्क्वायर, यह है एक्स प्लस टू, ठीक है, एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम निकालते हैं, ऊपर ए है, ठीक है, एक्स प्लस टू को ऊपर नीचे किससे इंटू करेंगे, एक्स माइनस वन के स्क्वायर से। सोचो क्यों, सुन लो, समझ लीजिए ये एक्स प्लस टू है, इसको ऊपर नीचे एक्स माइनस वन से इंटू किया तो इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, बट एक्स माइनस वन के स्क्वायर से इंटू किया तो इन तीनों का एलसीएम आ रहा है। आगे इसके पास x माइनस वन है, x माइनस वन का स्क्वायर है क्या, नहीं है, तो x माइनस वन ऊपर नीचे दे देंगे, ठीक है। इसके पास x प्लस टू भी नहीं है तो ऊपर नीचे x प्लस टू दे देते हैं, ठीक है। अब c की बारी, c के पास x माइनस वन का स्क्वायर है, मतलब x माइनस वन इधर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। x प्लस टू है क्या, नहीं है, तो ऊपर नीचे x प्लस टू, क्लियर है, समझ में आ रही है बात, ओके। तो एलसीएम आ गया अपना, दोनों साइड ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा ये, हो जाएगा जीरो। कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट लगाया क्या या नहीं लगाए, लगाया नहीं लगाया, ठीक है, चलो लगा ही देता है। ये है जीरो एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस जीरो, ठीक है। अब आगे देखते हैं, x माइनस वन का होल स्क्वायर एक्सपांशन क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, कुछ इस तरीके से आएगा, तो a इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन क्या आ जाएगा, मन ही मन सोचो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू टू टू एक्स, x इंटू माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स, तो आ जाएगा एक्स माइनस टू, ठीक है, अब बस खत्म। तो अब देखो a इंटू एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर आ गया प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाले साथ में कर दिए मैंने ना, एक दो स्टेप बचा दिए आपको, अगर नहीं आता ना आप एक एक स्टेप डिटेल से करो, ठीक है। अब x वाले एलिमेंट निकालो, a इंटू टू एक्स माइनस टू ए एक्स, अब x वाले एलिमेंट निकालो, b इंटू एक्स डी एक्स, सी इंटू एक्स सी एक्स। अब वापस कॉन्स्टेंट वाले टर्म देखो, a इंटू वन ए, b इंटू माइनस टू माइनस टू बी, सी इंटू टू टू सी। एज यू कैन नोटिस वन थिंग कि यहां पे अपने को दो वेरिएबल है, यहां पे अपने को तीन वेरिएबल है, यहां पे तीन वेरिएबल है, दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई, यू हैव टू अप्लाई क्रैमर्स रूल और सॉल्व द लीनियर इक्वेशन विद थ्री वेरिएबल। सो हमारा ब्रह्मास्त्र यहां पे काम करेगा, तो चलिए ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे कंपेयर कर लो कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर वाले एक्स स्क्वायर से कंपेयर किए, दैट मीन जीरो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर, सब में से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू ए प्लस बी, क्लियर। आगे वन इज इक्वल टू माइनस टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, आगे मैं लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अब मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, फैक्टर मेथड। मुझे बताओ ऊपर कितने फैक्टर हैं, हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने फैक्टर हैं, सबसे पहला फैक्टर है एक्स प्लस टू, तो लेट एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इक्वल टू माइनस टू, जिधर जिधर x है उधर उधर माइनस टू रखो, जस्ट फॉरगेट अबाउट द डिनोमिनेटर, ये तो मैंने समझाने के लिए रखा है, बुक में तो इतना भी नहीं लिखा है उन्होंने, फॉरगेट अबाउट द डिनोमिनेटर, हैव अ लुक एट द न्यूमरेटर, जिधर जिधर x है उधर उधर माइनस टू रखो, तो ये गया माइनस टू प्लस टू जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, ये गया माइनस टू प्लस टू जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। अब इधर देखो ये वाले बच गए, तो ये जाएगा माइनस टू और ये हो जाएगा थ्री का स्क्वायर, तो मैं वो कैसा कह सकता हूं, ये माइनस टू है, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन,
तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई है, -2/9। अगर a -2/9 है तो b कितना होगा, देखिए दोनों की साइन डिफरेंट है ना, b हो जाएगा, दोनों की सम जीरो आ रही है, मतलब ये +2/9 होगा। मार्कर चेंज करते हैं, a मिल चुका है, b मिल चुका है, तो c भी ढूंढा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इधर भी तीन वेरिएबल, इधर भी तीन वेरिएबल, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मुझे बताओ, वन तो वन ही रहेगा, a की वैल्यू कितनी है, -2/9, तो -2 -2 4/9 हो जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, 2/9 प्लस c, 4/9 2/9 6/9, उधर माइनस करने जाएगा तो कितना हो जाएगा बताओ, 6/9 उधर माइनस करेगा 1 - 6/9, तो बचेगा 3/9, सही है ना। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पे ही लिख देता हूं, 3/9। मुझे पता है ये कट हो रहा है बट ठीक है। a मिल चुका है, b मिल चुका है, c मिल चुका है। देखिए सिर्फ आप कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट से सॉल्व करते थे तो बहुत टाइम लग जाता था, शायद आपका पढ़ाई में भी इंटरेस्ट कम हो जाए कि यार बार बार लेंदी हो रहा है। बट सिर्फ एक फैक्टर आपने लगाया, मैंने ज्यादा फैक्टर लगाया ही नहीं, x माइनस वन का तो फैक्टर लगाया ही नहीं, अगर वो भी लगा देता था तो वैल्यू मिल जाती थी। बट सिर्फ एक आपने, कितने, सिर्फ एक बार आपने फैक्टर मेथड से एक वैल्यू निकाल ली a, तो bc निकालना देखिए इजी हो गया। अब बस क्वेश्चन हो गया है सिंप्लीफाई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a, a मतलब क्या, -2/9 अपॉन अकेला लीनियर, दैट इज x+2, प्लस b कितना है, b 2/9 x-1, प्लस c कितना है, c 3/9 x-1 का स्क्वायर। आगे इंटीग्रेशन लेते हैं, -2/9 बाहर, -2/9 बाहर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्चुअली 1/9 सब में है ना, बाहर ले लें तो 1/9 बाहर, ठीक है, ये हो जाएगा -2 log of x+2, सही है ना, 1/something, इंटीग्रल 1/something log something, ठीक है, 9 तो बाहर भेज दिया, प्लस टू कितना हो जाएगा, ये log of x-1। अब यहां पे देखो 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x का स्क्वायर, ठीक है, चेक कर लो, 1/x का डेरिवेटिव -1/x का स्क्वायर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई और करते हैं क्योंकि बुक और एनसीईआरटी वालों को शांति नहीं आएगी, उनको पूरा सिंप्लीफाइड ही चाहिए, ठीक है, उनको पूरा ही शांति चाहिए, जब तक दूध से प्रोटीन नहीं बनता उनको शांति नहीं मिलेगी। चलो पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, अब 1/9 इससे इंटू किया, उसके पहले देखो ये लॉग है, ये भी लॉग है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि 2 बाहर log a माइनस log b, a कितना है, पॉजिटिव वाला ऊपर नेगेटिव वाला नीचे, और 9 तो डिवाइड कर ही रहा है, ठीक है, इधर 1/9 इधर इंटू होगा, 3/9 हो जाएगा 1/3, और इधर बचेगा -1/ प्लस c तो आएगा ओवर। इसमें समझने का काम थोड़ा था, लिखने का काम बहुत ज्यादा था, हैव अ नोट ऑफ इट। देखिए अपने सामने एक सवाल है, सवाल नहीं बवाल है, एक तो मुझे इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर देखना पसंद ही नहीं है, जब से मैं इंटीग्रेशन के साथ रहता हूं ना, आई हेट डिनोमिनेटर, बिकॉज अपने पास इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर रूल नहीं है। ऑप्शन नंबर 1, इसका डेरिवेटिव ऊपर है क्या, नहीं है। ऑप्शन नंबर 2,
क्या मैं इस क्यूबिक को लीनियर बना सकता हूं ताकि मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके इसको बिजली की गति से सॉल्व करूं। अब क्यूबिक का फैक्टराइजेशन नॉलेज ये है कि क्या क्यूबिक का फैक्टराइजेशन बना सकते हैं? यस। उसकी मेथड क्या है? उसकी स्टेप है, फर्स्ट इसका फैक्टर ढूंढो, ठीक है, क्योंकि फैक्टर ढूंढने के बाद या तो हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं या तो सिंथेटिक डिवीजन, ठीक है। दो स्टूडेंट हु नीड हेल्प इन लॉन्ग डिवीजन एंड सिंथेटिक डिवीजन, सिर्फ एक बार मुझे बता दो, आई विल क्रिएट अ वीडियो ऑन इट। हर एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन ले लूंगा, आपका टेंशन खत्म। बट एनीवेज हम यहाँ पे सिंथेटिक देखते हैं। क्लास 8, 9, 10th में CBSE वालों ने लॉन्ग डिवीजन देखी है, दैट्स गुड। स्टेट बोर्ड वालों ने सिंथेटिक देखी है, ठीक है। तो सिंथेटिक एक बार देख लेते हैं, विच इज क्वाइट फास्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक ऐसा फैक्टर चाहिए सिंथेटिक के लिए जो इसको सेटिस्फाई करता है। सो लेट्स से हम डिटेल में सॉल्व करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। तो हमें फैक्टर कैसे पता चलेगा? सुनिए, फैक्टर ऐसे पता चलेगा, या तो आप माइनस वन या तो जीरो या तो वन को हिट करो, ठीक है। दिस इज द ओनली बेस्ट अप्रोच। 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और सीबीएसई में तो 100%, क्योंकि इतने बुरे इक्वेशन नहीं आते हैं कि रूट्स 1/2, 3/2 ऐसे हो, ठीक है। इसके अलावा थर्ड मेथड है क्यूबिक को लीनियर बनाने की या फैक्टराइज करने की, एक है लॉन्ग डिवीजन, दूसरी है सिंथेटिक डिवीजन। इसके दोनों के लिए अपने को एक फैक्टर चाहिए रहता है। तीसरी मेथड क्या है? सिमेट्रिक फैक्टराइजेशन, ठीक है, ये तीसरी मेथड है। इफ यू नीड हेल्प इन सिमेट्रिक फैक्टराइजेशन, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट एनीवेज माइनस वन जीरो वन हिट मारो, पहले तो जीरो रखो, तो एफ ऑफ जीरो क्या आएगा? जीरो 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 वन। क्या ये जीरो आया? नहीं आया, मतलब ये फैक्टर नहीं है। अगला वन रख के देखो, वन माइनस वन माइनस वन प्लस वन, जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है। गांव वालों खुशियां मनाओ, क्योंकि अब की बार जिधर जिधर एक्स है उधर उधर वन रखा तो आंसर जीरो आया। मतलब एक्स इक्वल टू वन इज फैक्टर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। है ना, x इक्वल टू वन इज अ फैक्टर ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। ये नॉलेज समझ में आया, अब इसको क्लीन करता हूं। ठीक है, तो x इक्वल टू वन ये फैक्टर है, x इक्वल टू वन इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इस पूरे पॉलिनोमियल के, क्या बोला मैंने, पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट लिखिए। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है? वन। एक्स स्क्वायर का माइनस वन। सपोज करो यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं रहता था, तो एज अ पॉलिनोमियल आपको वहां पे कोएफिशिएंट जीरो लिखना था। ये तो आपको पता ही है, 9th स्टैंडर्ड में भी हमने ऐसे ही किया था। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस वन। सपोज यहां पे कॉन्स्टेंट नहीं रहता था तो मैं क्या लिखता था? जीरो। बिकॉज पॉलिनोमियल में जो कोएफिशिएंट लिखते हैं वो सारे लिखते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते, समझो माइनस एक्स स्क्वायर नहीं था तो आप यहां पे ये नहीं लिखोगे, डायरेक्ट ये लिखोगे, वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यही एक गलती होती है जो बच्चे करते हैं, अदरवाइज इट्स ओके। अब सिंथेटिक में क्या होता है, इसको ब्रॉट डाउन करो धीरे धीरे। कैसे? धीरे धीरे से इसको ब्रॉट डाउन कर देना। ब्रॉट डाउन हो गया, अब ये वाला वन इसको क्या करेगा? मल्टीप्लाई, ठीक है। वन इंटू वन कितना होता है? वन। माइनस वन प्लस वन टोटल करो, जीरो। अगेन ये वन इसको मल्टीप्लाई करेगा और इधर लिख देंगे, ये हो जाएगा माइनस वन। वन इंटू माइनस वन अगेन होगा और ये हो जाएगा जीरो, ठीक है। ये सारी प्रोसेस किसने की? ये सारी प्रोसेस एक्स इक्वल टू वन ने की, जो कि लिख सकते हैं एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस वन एक फैक्टर है, ऑफकोर्स यार, x इक्वल टू वन मतलब क्या? x माइनस वन इज द फैक्टर। अगली बात करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। जो माइनस वन है उसको एज इट इज लिख दो, जो जीरो है उसको x दे दो, और जो वन है उसको एक्स स्क्वायर दे दो,
दिस इज द फैक्टराइजेशन. सो अल्टीमेटली हो जाएगा x माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन. तो अल्टीमेटली हो जाएगा x माइनस वन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी ए प्लस बी. जैसे कि आप देख सकते हो ये कन्वर्ट हो चुका है x माइनस वन का स्क्वायर x प्लस वन. तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर है ये और डिनोमिनेटर है x माइनस वन का स्क्वायर x प्लस वन. एज यू नो दैट ये अपना थर्ड टाइप है. सो थर्ड टाइप में स्प्लिटिंग कैसे होती है, लीनियर लिख देंगे. ठीक है, लीनियर लिख दिया. प्लस अगला क्या आएगा, x माइनस वन. अगला क्या आएगा, x माइनस वन का स्क्वायर. ठीक है, अब ये मैं क्लीन कर देता हूं और इसके फैक्टर पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में हम कन्वर्ट करके लिखते हैं. अब मुझे एक बात बताओ, हमारा इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन लीनियर. ठीक है, और सेकेंड पावर वाले को b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर. ओके, अब एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 3x प्लस 5, x प्लस 1 है इधर, x माइनस 1, x माइनस 1 का स्क्वायर. तो एक काम करते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर ऊपर नीचे इनटू कर देते हैं. ठीक है, b को किसकी जरूरत है, b को x माइनस 1 का स्क्वायर बनाना है, तो ऊपर नीचे x माइनस 1 दे देंगे और x प्लस 1 दे देंगे. c को ऊपर नीचे एलसीएम लेने के लिए किसकी जरूरत है, x माइनस 1 है ना. सी एक्स माइनस वन का स्क्वायर में एक्स माइनस वन तो होता ही है, जरूरत है एक्स प्लस वन की. अब एक काम करते हैं, क्या काम करेंगे, फैक्टर मेथड ही लगाते हैं. लेट फर्स्ट फैक्टर बताओ, लेट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर एक्स इक्वल टू वन. जिधर जिधर एक्स है उधर उधर वन पुट करो, ये खत्म हो गया. 1 माइनस 1 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, ये खत्म हो गया. इधर 1 रखा तो 1 प्लस 1 2, तो इधर आ जाएगा 2c, और इधर 1 रखा तो 8, c की वैल्यू आ गई 4. अगला फैक्टर बताओ, लेट अब की बार 1 ले लेते हैं. ठीक है, x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1. जिधर जिधर x है उधर उधर माइनस 1 रखो, तो माइनस वन प्लस वन जीरो, ये पूरा खत्म. माइनस वन प्लस वन जीरो, ये पूरा खत्म. बचा क्या, ये बचा माइनस वन, माइनस वन माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर, फोर ए. माइनस वन माइनस थ्री, माइनस थ्री प्लस फाइव टू, तो ए की वैल्यू आ गई 1/2. ठीक है, अब ये आगे सॉल्व हो रहा है क्या, ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा है. तो एक काम करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट करते हैं. सुन लो एक बात, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट जब आप करोगे तो अपने पास तीन टर्म आएंगी, एक तो स्क्वायर की, एक तो एक्स की फर्स्ट पावर की, और एक तो कांस्टेंट की. क्यों ना कांस्टेंट से ही कंपेयर करें. देख लो, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो लास्ट में वन आने वाला है, तो वन इंटू ए ए. ठीक है, x प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो b इंटू माइनस वन हो जाएगा माइनस बी, c इंटू वन सी, और यहां पे कांस्टेंट कितना है 5. तो देखिए मन ही मन में आप कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको एक्सपांड करो, ए बी सी को ढंग से लिखते जाओ, तो कांस्टेंट का कंपैरिजन में ये आने वाला है. अब a की वैल्यू 1/2 है. ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 1/2, b की वैल्यू कितनी है वही ढूंढनी है, और c की वैल्यू कितनी है 4. 4 और 4.5 हो जाएगा, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, 5 माइनस 4.5 0.5,
तो 0.5 वैल्यू है माइनस बी की, हमको तो बी चाहिए ना, देयरफॉर बी इक्वल टू माइनस वन बाय टू। ए मिल चुका है, बी मिल चुका है और सी मिल चुका है। अगर तीनों मिल चुके हैं तो ए की जगह पे ए रख देंगे, बी की जगह पे बी रख देंगे, सी की जगह पे सी रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 log ऑफ x प्लस वन माइनस 1/2 log ऑफ x माइनस वन, ठीक है, प्लस 4 बाहर, 1/ x का डेरिवेटिव माइनस 1/x का स्क्वायर, इंटीग्रल 1/x स्क्वायर माइनस 1/x, ठीक है। बट ये x था क्या, ये x नहीं था, सो यहां पे 4 को डिवाइड करना था x के कोएफिशिएंट से, दैट इज 1। तो लीनियर रूल यहां पे लग सकता था, बट x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, क्वेश्चन खत्म। अब बुक्स वालों को शांति नहीं है, वो क्या करेंगे, उन्हें शांति कैसे मिलेगी, एनसीईआरटी को सुकून कैसे मिलता है सिंप्लीफाई करके, वो करेंगे 1/2 बाहर log a माइनस log b log ऑफ a अपॉन b। इतना करने के बाद उनको बहुत शांति मिलेगी, अदरवाइज ये आंसर भी करेक्ट है, ठीक है, हैव अ नोट ऑफ इट। अपने सामने एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक इनटू लीनियर। एज यू नो दैट टाइप नंबर 3 और 4 में हमने देखा था, क्या देखा था, कि हमने देखा था कि किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं नीचे वाली वैल्यू को। टाइप 2 में हमने ये देखा था कि वो अनफैक्टराइजेबल होता है। बट क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग रहा है? हाँ जी हाँ लग रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या अब इस क्वेश्चन को हम फर्स्ट टाइप कह सकते हैं? तो ये बन गया फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप कैसे सॉल्व होता है, शॉर्टकट लगाओ या तो कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट वाली मेथड से कर सकते हो। एज यू नो दैट यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो चांसेस है कि जो इक्वेशन मिलेगा उसमें ए बी सी रहेगा। तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट के साथ सिर्फ एक बार फैक्टर मेथड यूज करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2x-3 जो फर्स्ट मेथड है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, a अपॉन x माइनस वन, सही है, सही सोच रहे हो आप, सही सोच रहे हो, b अपॉन x प्लस वन प्लस c अपॉन 2x-3। अब आगे क्या होगा, LCM ले लेते हैं। अब यहां पे इसके पास इन दोनों को भेजना पड़ेगा, इसके पास इन दोनों को भेजना पड़ेगा और तीसरे वाले के पास इन दोनों को भेजना पड़ेगा। सो आफ्टर टेकिंग द एलसीएम ये हो जाएगा 2x-3 इक्वल टू ए के पास एक्स प्लस वन 2x-3 आ गया, बी के पास x-1 2x-3 आ गया और सी के पास क्या क्या आ गया, x-1 x+। चलिए फैक्टर मेथड ही लगाते हैं, टाइम बच जाएगा अपना और ये वैलिड है बोर्ड में। लेट x प्लस वन इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इक्वल टू -1। जिधर जिधर x है उधर उधर -1 रखो, -1 + 1 जीरो, ये पूरा गेम खत्म। x की जगह पे -1 + 1 ये जीरो हो जाएगा, गेम खत्म। x की जगह पे -1 रखो तो -2 - 3 हो जाएगा -5, ठीक है, चेक कर लो। x इक्वल टू -1 रखो तो कितना हो जाएगा, -1 - 1 - 2 -2 + 3 1। तो अल्टीमेटली मेरा b क्या आ गया, 2/5।
बी आ चुका है 2/5। अगला फैक्टर निकालो, लेट अगला है x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 रख दो। जिधर जिधर x है, आई रिपीट, जिधर जिधर x है उधर उधर 1 रखो, तो 1 माइनस 1 0, गेम खत्म इसका, और 1 माइनस 1 0 इसका गेम खत्म। सो x इक्वल टू 1 रखा तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 होता है माइनस 1, इधर 1 रखा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 2a, इधर हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 3 हो जाएगा 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई माइनस 1 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तीसरा फैक्टर ढूंढते हैं, तीसरा फैक्टर क्या है, लेट लेट 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया माइनस 3/2, x की जगह पे हर जगह माइनस 3/2 रखो। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2x प्लस 3 को हमने जीरो रखा है, तो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग जीरो। अब इसकी बात करते हैं, इसकी बात जब करते हैं तो होगा यू, होगा यू, x को माइनस 3/2 रखेंगे, तो यहाँ पे देखो माइनस 3 अपॉन 2 रखा यहाँ पे, तो 2 2 कट, तो माइनस 3 हो जाएगा माइनस 6। यहाँ पे रखेंगे माइनस 3/2, सो माइनस 3/2 कितना होता है, उसको मैं ऐसा भी बोल सकता है माइनस 1.5, सो माइनस 1.5 प्लस 1 माइनस 0.5 बराबर, सो a इंटू माइनस 1/2। आगे देखें, माइनस 1.5 इंटू 2, तो नहीं 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 नहीं, हमको तो वहां रखना था, वेट अ मोमेंट, यहां पे रखना था ना, क्योंकि ये दोनों तो जीरो हो रहा है ना, तो सी माइनस 1.5 माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2.5, मतलब 5/2, माइनस 1.5 कितना होता है माइनस 5/2, ठीक है, माइनस 1.5 प्लस 1 मतलब माइनस 1/2, ठीक है, तो एक मिनट मैं क्या कर रहा हूं, माइनस 3/2 है, ठीक है 3/2 ही लेते हैं, माइनस 3/2 मैंने इधर रखा तो कितना हो जाएगा माइनस 3/2 माइनस 5/2, ओके माइनस 3/2 प्लस 1 माइनस 1/2, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 24/5, ठीक है। एक्चुअली फ्रैक्शन चल रहा था तो मैंने फ्रैक्शन में ही लिख डाला, तो इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3 dx। Now you can tell me one thing, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है माइनस 1/10, b की वैल्यू क्या है 2/5, c की वैल्यू क्या है माइनस 24/5। ठीक है, आगे हमने नोटिस किया कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन नहीं लिखते हैं अब, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं, माइनस 1/10 बाहर इंटीग्रल 1/x होता है log ऑफ x माइनस 1 प्लस 2/5 बाहर इंटीग्रल 1/x होता है log ऑफ x प्लस 1, ठीक है, माइनस 24/5 बाहर, माइनस 24/5 बाहर 1/x का डेरिवेटिव log ऑफ 2x प्लस 3, बटो x था क्या, वो x नहीं था, जो x नहीं था अगेन उसका डेरिवेटिव नीचे, तो 2 इधर नीचे, 2 नीचे, बुक में यहाँ पे 12/5 आने वाला है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इंटीग्रल 1/समथिंग log ऑफ समथिंग, ठीक है, बट x का कोएफिशिएंट नीचे आता है, दिस इज सो कॉल्ड एज लीनियर रूल, जो हमने पार्ट 1-2 में देखा है। सो द क्वेश्चन इज ओवर, ठीक है, कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ये सब ना लिखने का काम बहुत ज्यादा है ना, लिखने का काम बहुत ज्यादा है, समझने का काम बहुत कम है,
सो कीप गोइंग, आई ट्रस्ट यू, आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, इतनी मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे मकाम पे होगे। बट एक बात आप ख्याल में रखिए, द हार्डर यू वर्क द लकियर यू गेट, जितनी आप परिश्रम करोगे उतना ही आपका लक अच्छा होते जाता है। तो या तो एक लक आपको जो मिला है या तो एक लक आपको बनाना है, तो मेहनत करके अगर लक बनता है तो क्यों ना बनाए। हैव अ नोट ऑफ इट, फिर और आगे बढ़ते हैं। MHT CET की तैयारी, क्या आप VJOTI और COAP जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन पाना चाहते हैं? क्या आप भी लाखों के पैकेज आना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि कम समय में बेहतरीन तैयारी हो जाए? क्या आप चाहते हैं 180 पर स्कोर करना? आपको टेंशन है कि कम समय में तैयारी कैसे होगी? क्या आपको टेंशन है कि इतने कम समय में आप अच्छे से अच्छा कॉलेज कैसे पा सकते हो? बच्चों, हमारे गाइडेंस के द्वारा और हमारी टॉप 12 एजुकेटर्स के गाइडेंस के द्वारा अब तक हज़ारों बच्चे COAP और VJOTI जैसे टॉप कॉलेज में एडमिशन पा चुके हैं। आपके लिए लाए हम एक बेहतरीन कोर्स जिसकी मदद से आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, यह हमारा दावा ही नहीं, हमारा वादा है, ये कोर्स आपको दिलाएगा एब्सोल्यूट सक्सेस। आइए जानते हैं डिटेल्स। सबसे पहली बात, आपको मिल जाएंगे 7000 प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चन। दूसरी बात, PCM और PCB की 50 फुल लेंथ टेस्ट। साथ ही साथ टॉप 12 एजुकेटर आपको टीच करेंगे, महाराष्ट्र के सारे एजुकेटर जो भी बेस्ट है हमने एक साथ लाए हैं आपको अनअकैडमी पर, और वो सब आपको गाइडेंस करेंगे। देखिए, रैपिड रिवीजन कोर्स भी है 100 आवर्स का PCM के लिए, PCB के लिए, जिसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हो। कंप्लीट टॉपिक वाइज लेक्चर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। देखिए दोस्तों, दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन। जून में आपकी एग्जाम है तो ये मौका आपको गंवाना नहीं है, जाइए अभी एनरोल करिए और अपनी सक्सेस को इंश्योर करिए। दोस्तों, मैं आपसे कह दूं, सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। देखिए, ऋषिकेश सर हैं, गुणवंत सर हैं, गजानन सर हैं, खुशवंत सर हैं, सारे बढ़िया एजुकेटर। आप खुशवंत सर की प्रोफाइल तो देखिए, फिजिक्स एजुकेटर, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यूनिवर्सिटी के टॉपर भी रह चुके हैं, और दूसरी बात IIT से हैं। क्या चाहिए आपको? गुणवंत सर यहाँ पे केमिस्ट्री के एजुकेटर हैं, गजानन सर हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। दूसरी बात, ऋषिकेश सर को आप देखिए, केमिस्ट्री के टॉप एक्सपर्ट हैं। तो ये तो एक लिस्ट है, बहुत सारे एजुकेटर आपको टीच कर रहे हैं। रिसेंटली आप देखिए, खुशवंत सर ने एक कोर्स लॉन्च कर रहा है जो फिजिक्स के ऊपर है। तो देर किस बात की दोस्तों, ये 12 एजुकेटर आपको बहुत ही धमाकेदार सक्सेस दिला देंगे। यू आर जस्ट वन डिसीजन अवे फ्रॉम द कंप्लीट सक्सेस। दोस्तों, मैं आपको और सब फीचर बता दूं, रिसेंटली हमने और भी कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। द लिस्ट इज कीप गोइंग ऑन। तो देर किस बात की दोस्तों, अभी एनरोल करिए, और अगर आपके पास लगता है टाइम लिमिटेड है तो 2 मंथ सब्सक्रिप्शन में आप एनरोल कर सकते हैं, जिसकी फीस है 4499। इसमें भी आपको पे नहीं करना है, आपको मिल जाएगा फ्लैट 10% का ऑफ। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जाइए दोस्तों और अपनी सक्सेस को एंश्योर करिए एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। घर बैठे आपको मिल सकता है बेहतरीन गाइडेंस, आपकी मेहनत, हमारा गाइडेंस, और मिल जाएगा आपको टॉप कॉलेज। दोस्तों, टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम वैल्यूएबल है, चीज़ें आप फिर भी खरीद सकते हैं, टाइम खरीद नहीं सकते हैं। तो इतनी रीजनेबल कॉस्ट में अगर आपको बेस्ट एजुकेटर मिल रहे हैं, रिस्क आपका 0 है, रिवॉर्ड और प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड है। दोस्तों, आप अपने ड्रीम कॉलेज को पा सकते हो, आपकी पढ़ाई बेहतरीन हो जाएगी, कम समय में बेहतरीन रिजल्ट आप ला सकते हो। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।